Singh. Sir, one second. Satyendra Singh is a former deputy director of the Enforcement Directorate. Sir, I think the question that opposition is also asking is simply this. You look at the record of the Enforcement Directorate since PMLA came, which is, I think, about 17 years ago, only 23 convictions have happened, which is a conviction rate of 0.5%. Now, please explain why, you know, the opposition's charge is not valid, that look at Enforcement Directorate's track record. They have such a poor track record. And in this case, they're going only after opposition leaders. So it's being used as an instrument to settle political scores. That's the charge. जी, पहला सवाल आपने खड़ा किया कन्विक्शन रेट पे कि इतना कम कन्विक्शन रेट क्यों है 0.5%. जी, देखिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सबका कि कन्विक्शन रेट कैसे निकाली जाए. कन्विक्शन रेट निकलेगी कि कितने केसेज में ट्रायल कंप्लीट हो गया और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और उसमें कितने लोग कन्विक्ट हुए, उससे कन्विक्शन रेट है. जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक टोटल 19 केसेज में कन्विक्शन हुआ है, सॉरी ट्रायल कंप्लीट हुआ है, और उनमें से आउट ऑफ दैट 17 केसेज में कन्विक्शन हुआ है. अब बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, ये कन्विक्शन रेट है 90% और 0.5% बताई जा रही है. अब नंबर ऑफ केसेज जो कोर्ट में पेंडिंग उनके ऊपर ईडी का क्या रोल है, ईडी क्या कर सकती है? अदालत है, उनकी अपनी स्पीड है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज है. तो उसमें ईडी पे अलेज करना कि ईडी उसको लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा पा रही. ईडी ने लॉजिकल एंड पे जो इन्वेस्टिगेशन किया, जितने किए और उनमें कंप्लेंट फाइल कर दी, प्रोसीजिंग कंप्लेंट जो फाइल हुई है 1900 समथिंग, अब उसमें कोर्ट में यदि पेंडिंग है तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि ईडी को जिम्मेदार ठहराया. नहीं, लेकिन लेकिन सत्येंद्र सिंह साहब, ये तो हर एजेंसी में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या कोई और स्टेट पुलिस हो या सीबीआई हो, कन्विक्शन रेट तो ऐसे ही तोला जाता है ना कि आपने कितने केस में आपने कन्विक्शन सजा सुनवाई. तो आपके जो रिकॉर्ड है उसी के ऊपर होगा. अगर इफ द एजेंसी इज नॉट एबल टू यू नो अप्रूव इट इन कोर्ट और एबल टू फाइंड कन्विक्शंस इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, और मैं मानता हूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रूव करना मुश्किल होता है, मनी ट्रेल प्रूव करना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि वो आसान काम है. मतलब जैसे मर्डर हो, मर्डर के लिए तो आपको मर्डर वेपन चाहिए और मोटिव चाहिए, और जो भी गिल्टी है यू फाइंड दैट पर्सन. व्हेयरएज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इट्स हार्ड टू प्रूव. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द फैक्ट इज दैट रिकॉर्ड तो इतना ही है ना. नो, रिकॉर्ड इतना नहीं. मेरा फिर यही कहना कि रिकॉर्ड कहां से बनाएंगे आप? रिकॉर्ड होगा, स्टेटिस्टिक कैसे बनेगी? जितने केसेस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें कितने में कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन रेट वहां से आएगा. यदि 19 केसेस में फैसला सुना है, 17 में कन्विक्शन हुआ है, तो 0.5% रेट कैसे हो गई? आज यदि कोई पुलिस एफआईआर चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट में और कोर्ट में 10 साल केस चलता है, तो यदि हम ये डाटा निकालें कि कन्विक्शन रेट बहुत कम आ रही, 90% कन्विक्शन रेट है पीएमएलए का. ओके, जो कि एलिगेशन लगाया जा रहा है गलत. देखिए, कोर्ट जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएंगे, उसमें यदि एक्विटल की रेट ज्यादा है तो कन्विक्शन का रेट डाउन हो जाएगा. Both simple mathematics. Okay, Adil, you want to respond to that? Mr. Satyendra Singh's contention is you can't blame the agency if cases are lying in pendency in courts. You blame it on the judicial process. You can't blame the agency for it. Yes, 4,500 crore. Adil, yeah, Adil. Crore cases pending. Got it. Yeah, 5.5 crore cases are pending. Adil, respond. Yes. Zaka, the ED has been weaponized. And we're ready for this. We're ready for this struggle. We're living in the times of an undeclared emergency. There will be an onslaught of ED cases. We are ready for this struggle. This is not going to stop. You think this is going to stop with Sanjay Rawat? They will come against every leader who speaks up against them. The mantra is very clear. If you're with us, we protect you. If you join us, we will protect you. Just as we protected Mukul Roy. Just as we protected Narayan Rane. Just as we protected Himanta Sarma. If you're against us, if you speak up against us, if you try to bring the people's issue before us, then we will send you to jail. It's as simple as this. That's the mantra. And we're ready for this. The institutions which were watchdogs of democracy have been weaponized against the opposition.
And I have no qualms in saying that the fourth estate is complicit. But be that as it may, we are ready. We are ready for the struggle. We fought the British. We struggled against the British. And we are ready. The BJP will leave no stone unturned to stifle political opponents. Aparajita Sarangi, the fact that this is happening...